السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الفتاح المنان ذي الطول والفضل والإحسان وفضل ديننا على سائر الأديان ومحى بحبيبه وخليله عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عبادة الأوثان أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلي واشربي وقري عينا فإما ترى إن من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد कमा सल तला इब्राहिम वाला आलब्राहिमा कहमीद मजीद अल्ल मबारिक महमदाली महमद कम बारा चाल इब्राहिम वाला आलब्राहिमा आल कहमीद मजीद महतरम नाजरीन सच्चे वाक़ात की सीरीज़ के दूसरे एपिसोड में आप तमाम का इस्तकबाल है एक बार फिर से एक सच्चा कुरानी वाक़ा लेकर हम आपके सामने हाज़िर हैं और ये सच्चा वाकया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर तफसील के साथ ज़िक्र किया है ये वाक़ हज़रत ईसी सलाम के बचपन से मुतालिक है जब वो अपनी माँ हज़रत मरियम सलाम के पेट में थे आइए किस्सा और वाकया शुरू करते हैं पारा नंबर सोलह सूरा नंबर उन्नीस सूर मरियम आप पढ़ें मुकम्मल एक सूरा अल्लाह ने हजरत हज़रतलात साम की माँ के नाम से कुरानी मजीद के अंदर रखा है दर्ज किया है अल्लाह फरमाते हैं फिल किताब मरियम ए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किताब में हज़रत मरियम असलातम का तस्करा मिन मन मकानन शरकिया के अपने घर वालों अपने इलाके से अलग होकर अल्लाह आलमीन के इबादत के मकसद से वो एक अलग थलग जगह में जाकर आबाद हो गई उन्होंने लोगों से पर्दा कर लिया फतः मिन मंदू हिजाबा, पर्दा कर लिया उन्होंने आड़ बना लिया ताकि अल्लाह की इबादत में कोई खलल किसी तरह का कोई मुश्किल मरहला किसी तरह की कोई आड़चन कोई तकलीफ़ ना आने पाए हुआ क्या एक मरतबा हजरत मरियम आलिया सलात सलाम उस जगह पर मौजूद है अल्लाह कहते हैं कि वहाँ पर वो औरत वो लड़की जो पागनामन है जिसमें किसी तरह का कोई ऐब नहीं जिसकी अभी शादी नहीं हुई है जो अभी कुंवारी है अल्लाह कहते हैं वो वहाँ पर मौजूद है काम में लगी हुई है इबादत कर रही हैं

हजरत ज़बरीम जो फ़रिश्तों के सरदार हैं वो वहाँ उस उजरे में उस कमरे में हजरत मरियम सलातम के पास हज़रत ज़बरी सलातम पहुँच गए जब पहुँचे वो इंसानी शक्ल में हजरत मरियम पहचान नहीं सकी एक जनबी मेरे घर में मेरे उजरे में ख़ालत इनबरहमानी मिनका इनकुन तकिया काल्ला के बंदे अगर तो नेक है तो शरीफ है अगर तुझ मुत्तकी है तकवा वाला है अल्लाह का डर तेरे दिल में है इन्नी अदरहान मिनका देख मैं तुझसे अल्लाह की पनाह चाहती हूँ रहमान की पनाह चाहे तो यहाँ से अलग हो जा खाला इनमा अन रसूल रब्ब हजरत जिब्रील जबरीसलात जो इंसानी शक्ल में थे कहा घबराइए नहीं परेशान ना हो इनमा अना रसूल रब्बिक मैं आपके रब का मैसेंजर हूँ आपके रब का पैगाम लाने वाला हूं मेरे रब ने आपके पास मुझे भेजा है क्यों लिहाबला की सकिया ताकि मैं आपको एक बड़ा प्यारा पाक दामन खूबसूरत सा बच्चा दे दू हालत अन्ना यकून ग़ुलाम हजरत मरियम हैरान हो गई इंसान थी हैरान परेशान ये क्या अन्ना यकून अली गुलाम मेरे पास बच्चा मुमकिन कहां से यह पॉसिबल नहीं है जानते हो कि पैदाइश के लिए बच्चे की विलादत के लिए तरीका एक है कि औरत किसी मर्द से सहबत इख्तियार करे उसके साथ बिस्तर पर हो और वो सारे काम हो ये प्रोसेस है ये मरहला है बच्चे की विलादत का और मेरी बात जहाँ तक है वलम नहीं बशरून किसी इंसान ने आज तक मुझे टच तक नहीं किया है किसी के साथ तन्हाई में होना तो दूर की बात है आज तक किसी इंसान ने मुझे छुआ तक नहीं टच तक नहीं किया है वलम वलमिया और मैं जानिया भी नहीं हूँ मैं बदकार ऐसी वैसी फाहिशा औरत भी नहीं हूं और बच्चे की पैदाइश के लिए किसी मर्द के साथ बस जरूरी है और तुम ये कह रहे हो कि मेरे यहाँ बच्चे की विलादत होगी ये कैसे मुमकिन है ये तो नामुमकिन में से है हजरत व सलाम ने जवाब दिया हजरत मरियम की हैरानी परेशानी उनका ताज्जुब दूर किया का बात तो तुम्हारी ठीक है बात सही कह रही हो इंसान के दिमाग में यही ख्याल आता है और इंसान इतना ही सोच सकता है तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है लेकिन कला अबू की हुआ आप आपके रब ने यह कहा है कि मेरे लिए तो ये मुश्किल नहीं मेरे लिए आसान है मैं ये सारे काम कर सकता हूँ ने पूरी कायनात बनाई बगैर मिसाल के बदीसमती वर्ध बगैर किसी मिसाल के अल्लाह ने कायनात ये जमीन ये आसमान ये पेड़ ये पौधे ये शजर ये अजर ये पहाड़ सारी चीजें अल्लाह ने बनाई सूरज चाँद सितारे सारी चीजें और इंसान को भी पहली मरतबा उसने बगैर किसी चीज के मिट्टी से पैदा किया हजरत आदमत को और फिर सिर्फ मर्द के जरिए अल्लाह ने एक औरत की तख्लीक की यह अयोन्नास तक रबि खलाद कि अल्लाह ने आदम को पैदा किया और फिर उन्हीं से उनका जोड़ा हजरत अल्लात वसलाम की शक्ल में पैदा किया तो ये तो अल्लाह करता है और अल्लाह के यहाँ किसी इंसान की पैदाइश के चार तरीके हैं एक बिना किसी मर्द और औरत के दूसरे सिर्फ मर्द के जरिए अल्लाह ने तख्लीक किया जैसे हजरत अल्लाम को और मर्द औरत दोनों के मिलाप से जैसे आम इंसान है और आज अल्लाह ये चौथी सूरत पेश कर रहा है मरियम कि आपके यहाँ बगैर किसी मर्द से सुहबत इख्तियार किए हुए अल्लाह ने फैसला किया कि आपके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होगी अल्लाह के लिए सारे काम आसान है इन्हू इन ख़दीर वो तो ज़मीन आसमान का बादशाह है वो जो चाहे कर सकता है इनमा अम्रदा आरद खूल खन फून उसका मामला यह है उसका मसला यह है और उसका मामला यह है कि वो जब किसी काम का फैसला करता है इरादा करता है तो सिर्फ कहता कौन हो जा, चीज हो जाती है मरियम आप क्या बच्चे की पैदाइश होगी आपके रब ने कहा है कि यह काम मेरे लिए आसान है वली नजाल आयत और हम इसको लोगों के लिए पूरी दुनिया के इंसानों के लिए निशानी बनाना चाहते हैं कि देखो अल्लाह की कुदरत पर गौर करो अल्लाह पर ईमान रखो कि अल्लाह ने बिना किसी मर्द के भी सिर्फ एक औरत के जरिए अल्लाह ने हजरत ईसीलाम को पैदा किया तो तुम तो मर्द और औरत और दोनों साथ में रहते हो अगर तुम्हारे यहाँ औलाद नहीं है मायूस ना हो अल्लाह तुम्हें औलाद दे सकता है वका तो नाम मकदिया और मरियम इसका तो फैसला हो चुका यह तो होकर रहेगा फहमालत हजरत इज्री सलातम ने ठूक मारा हज़रत मरियम सलात सलाम हमल से हो गई ये अल्लाह का हुक्म था ये काम हो गया हज़रत मरियम प्रेग्नेंट हो गई हमल से हो गई फ़न तबदत भी मकाननकिया और अलग रह कर इलाके से समाज से मुआशरे से इलाके वालों से अलग होकर ज़िंदगी गुजारने लगी किसी को नहीं मालूम कि मरीम के यहाँ क्या चल रहा है मरीम की ज़िंदगी में क्या चल रहा है फाजा अहलमिला जब दर्द जह यानी पैदाइश जब होती है विलादत होती है और बच्चा पैदा होता है उस वक्त जो तकलीफ होती है उसे एक औरत समझ सकती है और एक औरत ही समझ सकती है मर्द उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता उसकी तकलीफ को महसूस तक नहीं कर सकता मरीम को तकलीफ़ हुई हजरत इसलात सलाम पैदा हो रहे हैं खजूर के अब पेड़ था उसके तने के पास आकर बैठ गई कालतनी तो कबला आगा जैसे जैसे पैदाइश का विलादत का वक्त करीब आ रहा है हज़रत मरियम आलि सलातम के खयालात उनकी सोच यहाँ वहाँ मुंतशिर हो रही है कि इस बच्चे को लेकर समाज में माशरे में इलाक़े में जाऊँगी लोग क्या कहेंगे आज भी हम यही करते ना बहुत सारे अच्छे काम सिर्फ इसलिए नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे तो सोच रहे हैं और क्या कह रही है कबला वकुन तो नसीम मनसिया आकाश आकाश आज से पहले मैं मर ही गई होती और नसीम मनसिया हो गई होती लोग मुझे बुला देते कि कोई थी मरियम कोई एक लड़की थी जिंदगी गुजारने वाली आई चली गई लोग मुझे भूल जाते लेकिन आज के बाद तो लोग नहीं भूलेंगे आज के बाद लोग मुझे ताने देंगे आकाश में पहले मर गई होती फनाद बिन तहतिहा वहीं से आवाज़ आई जहाँ हजरत मरियम आलिया सलात सलाम है अल्लाह तहजनी कि अल्लाह की बंदी घबराओ नहीं सरिया अल्लाह ने तुम्हारे लिए सारी चीज़ों का इंतजाम किया वी के बीच एक काम करो अल्लाह ने तुम्हारे लिए खाने पीने का भी इंतजाम किया खजूर के तने को पकड़ के हिलाओ ये खजूर तुम्हें ताज़ा तरीन फल अता करेगा तुसाकिले की रुता बनझनिया ताज़ा तरीन खजूर तुम्हारे पास आ जाएंगे गिरेंगे और तुम उनको खाओ पियो तनाउल करो फकली वशरबी वैना कहा कि खाओ और पियो अल्लाह ने पानी का भी इंतजाम कर दिया अपनी आंख को ठंडक पहुंचाओ लोगों से क्या डरना ये सारे ख्याल को परे ढकेल दो ये सारी सोच को पीछे ढकेल दो लोगों की फिक्र मत करो अल्लाह तुम्हारे साथ फम्मा थारा इन्ना मिनल्बर आहदा लोगों से निपटने का अल्लाह ने रास्ता भी बयान कर दिया क्या पता चला कि अल्लाह जब आपके साथ ख़ैर का इरादा करता है तो आने वाले सारे लम्हात में लोगों को फेस करने का मसाइफ़ फ़ेस करने की हिम्मत सलाहियत भी अल्लाह आपको अचा करता है यानी आप अल्लाह के हो जाएं, अल्लाह आपका हो जाएगा और हर मोड़ पर हर कदम पर आपकी मदद करेगा क्या कहा फ़ैमा चारा इन निनबरदा ए मरियम जब कोई इंसान दिखाई दे जब किसी इंसान से तुम्हारी मुलाकात हो बच्चे की पैदाइश के बाद फकूली तो बात मत करना उससे सिर्फ इतना कह देना इन्नी नज़र तो लहमानी सोमा मैंने रहमान के लिए अल्लाह के लिए रोज़े की नज़र मानी है फ़लन उकल मल्योमसिया लिहाजा मैं भूल कर भी नहीं बोलूँगी अब मैं किसी से बात नहीं करूँगी मैंने अल्लाह के लिए रोज़ा रखने की नज़र मानी है लिहाजा मैं भूल कर भी बात नहीं करूँगी हज़रत मरियम आलि सलात वाम के यहाँ बच्चे की पैदाइश हो गई उसे लेकर अपने इलाके में आई फात बेही कौम तहमिल हो बच्चा गोद में है हजरत मरियम आलि सलात सलाम उठा कर ला रही हैं कौम के दरमियान लोगों के दरमियान पहुँची कलू या मरियम दिशन कौम वालों ने देखा मरियम के गद में एक बच्चा है कहने लगे है मरियम लकद जी दिशन फरिया ये तो बहुत ही गलत चीज़ है बहुत गलत काम किया है तुमने या उखता हारोना माँ कहना अबू की मरा सो इन व माँ कहना तुम मुँह की बघिया मरियम जरा हमारे सवाल का जवाब तो दे तेरा बाप भी बदकार नहीं था तेरी माँ भी फ़ाहिशा नहीं थी दोनों बड़े अच्छे थे बड़े नेक थे फिर तेरे पास ये बच्चा कहाँ से आया गोया कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि मरियम तुमने गलत काम कर लिया है गलत काम के ज़रिए तुम्हारे यहाँ बच्चे की पैदाइश हो गई है तुम्हारी शादी तो हुई नहीं निकाह तो हुआ नहीं और फिर निकाह जब हुआ नहीं तो बच्चे का सवाल कहाँ से पैदा होता है इसका मतलब ये है कि तुमने कोई गलत काम किया है ग़लत हरकत की है ये किस वजह से तुमने किया है तुम्हारे बाप अच्छे थे तुम्हारी माँ अच्छी थी दोनों मदकार और फाहिशा नहीं थे दोनों के यहाँ फ़ैशो वाली चीज़ें नहीं थी अय मरियम ज़रा हमारे सवाल का जवाब दे दो कि ये बच्चा कहाँ से आया है इस बच्चे को तुम कहां से उठा कर लेकर आई हो और ये बच्चा किसका है अशा रथी लही हजरत मरियम अली है सलात सलाम ने बात सुनी उनके सवाल सुने उनके ताने सुने और सुनने के बाद फाशारत लई गोद के बच्चे की तरफ इशारा कर दिया कि पूछ लो इससे ये सवाल का जवाब देगा तुम्हारे ये तुम्हारी सारी परेशानियाँ तुम्हारे सारे डाउट्स शिकु को शुभात क्लियर कर देगा कहीं फलू कल्लीमू अभी हैरानी कम नहीं हुई अभी एक हैरानी खत्म नहीं हुई थी कि बरियम सलाम ने दूसरी हैरानी में दूसरी परेशानी में कौम वालों को डाल दिया और कौम वालों ने कहा अजीब बंदी है अजीब लड़की है बच्चे से वो भी गोद का बच्चा जो अभी चंद दिनों का उससे बात करने के लिए कह रही है कही फनुखलीमू मन खाना फिल्म सभी अभिया हम उस बच्चे से बात कैसे करें जो अभी गोद का है और ये बच्चा बोलेगा कैसा ये हमारे सवाल का जवाब कैसे देगा कौम की और हजरत मरियम आलिया सलात सलाम की गुफ्तगु चल रही है दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं सवाल हो रहे हैं इशारा किया जा रहा है जवाब मिल रहा है और जब आखिरी बार कौम वालों ने कहा कि गोद के बच्चे से कैसे बात करेंगे ये बोलेगा कैसे देखें जब आप अल्लाह के लिए अच्छाई करते हैं जब आप अल्लाह के लिए सच्चाई का रास्ता इख्तियार करते हैं जब आप अल्लाह के लिए अपने आप को बुराई से बदकारी से गलत कामों से बचाते हैं तो अल्लाह आपका साथ देता है सारी दुनिया एक तरफ़ हो जाए लेकिन अल्लाह उस सारी दुनिया के लोगों से आपको बचा लेता है कैसे जैसे मरियम को अल्लाह ने बचाया खाला इन्ब्दुल्ला कौम वालों ने कहा बच्चे से बात कैसे करें मरियम जवाब देने के लिए तैयार नहीं वो गोद का बच्चा जो अभी कुछ लम्हे कुछ वक्त पहले इस दुनिया में आया है वो गोद का बच्चा बोल उठता है अब्दुल्ला लोगों मैं अल्लाह का बंदा हूँ मैं अल्लाह का बंदा हूँ आतानी अल ने मुझे किताब दिया है और मुझे नबी बनाया है वज़ी मुबारक नई नं और मुझे जहाँ कहीं मैं रहूँ मुझे मुबारक बनाया है यानी लोगों के लिए मैं बरकत का खैर का भलाई का ज़रिया और सबबू हजरत मरियमाल सलात के उस बच्चे ने दूध पीते बच्चे ने गोद वाले बच्चे ने जवाब दिया वाउसानी औसानी बिसकती मादुम तो है और अल्लाह ने मुझे इस बात की वसीयत की जब तक दुनिया के अंदर जिंदा रहूँ मैं नमाज पढ़ता रहूँ ज़क़ात देता रहूँ व्रम विवाहीद थी और अपनी माँ के साथ हुसन सलूक करता रहो वलम यजअलनी जब्बारन शक़ी और उस अल्लाह ने मुझे शकी नहीं बनाया बदमक़त नहीं बनाया है मुझे बदमाश नहीं बनाया वसलम अलैया यौम उलित व यौम योम व यौम उबअसु मबास और मुझ पर सलामती हो जिस दिन मैं पैदा हुआ जिस दिन मैं मरूँगा और जिस दिन मुझे दोबारा अल्लाह उठाएगा ज़िंदा करेगा अल्लाह आलमीन ये वाक़ा बयान करने के बाद कहते हैं वो बच्चा कौन है जालिका ए सबन मरियम ये हजरत मरियम अलह सलात सलाम के बेटे ये हजरत मरियम अ सलात सलाम के बेटे हजरत ईसा हैं कौलफ़ी थरूर ये वो सच्ची बात है जिसके सिलसिले में लोग डाउट कर रहे हैं शक में मुबतला हैं और शक में मुबतला हैं तो अल्लाह ने उनका डाउट क्लियर किया ये पूरा वाक़ बयान करके कि पूरा वाक़ कैसे हुआ ईसा आल सलात वाम पैदा कैसे हुए हज़रत मरियम आलत व सलाम अमल से कैसे हुई बच्चे की पैदाइश कैसे हुई कौम वालों को कैसे फेस किया कौम वालों ने क्या सवालत किए हज़रत मरीम ने क्या जवाब दिए और अल्लाह ने कैसे हज़रत मरीम आल सलातम को उस मुश्किल उस परेशानी उस दुख की घड़ी से निकाला और किस तरीके से मुआजा हुआ कारनामा हुआ हज़रतलात सलाम के हाथ पर कि अभी गोद में है दूध पीने की उम्र है थोड़े लम्हे थोड़े वक्त पहले दुनिया के अंदर आए हैं लेकिन कौम के सवाल का जवाब देते हैं लोगों अल्लाह पर भरोसा करो लोगो अल्लाह पर अपना ईमान अपना अकीदा मजबूत करो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दो देखें किस तरीके से अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आपकी मदद करेगा आपकी परेशानियों को दूर करेगा आपके मशाकिल को दूर करेगा आपके मसाइल को ऐसे हल करेगा गोया कि आपकी ज़िंदगी में कभी वो मुश्किल थी ही नहीं वो मैत ये जालअु मखरजा जो अल्लाह के लिए तकवा इख्तियार करता है अल्लाह उसके लिए मुश्किलों से बीमारियों से परेशानियों से निकलने का रास्ता बना देते हैं ये अल्लाह का मामला है कि आप अपने आप को अल्लाह आलमीन के हवाले कर दें देखे अल्लाह ने क्या कहा इस वाक़े के आखिर में कऊलह फी ही यही सच्ची बात है मरियम और उनके बेटे हजरत ईसा आल सलात सलाम के तल्लु से लेकिन बुरा हो यहूदियों का बुरा हो उन लोगों का जो कहते हैं कि नऊदबिल्ला हजरत मरियम आल सलात जानिया थी और हजरत ईसा सलात वाम वना है यानी जना की वजह से पैदा हुए थे अल्लाह की पनाह ये उस बंदी पर तोहमत है ये उस औरत पर तोहमत है जिसके बारे में अल्लाह ने दूसरी जगह कहा वरियम मरियम इमरान अल्ला थी के ईमान वालों, तुम्हारे लिए मरियम आल सलात की ज़िंदगी में बेहतरीन मिसाल है अल्ला अहसनत फरजहा जिसने अपनी शर्मगा की हिफाज़त की और अपने आप को जेनाकारी बदकारी से दूर रखा गोया कि अल्लाह हज़रत मरियम आल की पाक दामनी का ऐलान कर रहे हैं कि उन्होंने गलत काम नहीं किया और उनके बतन से उनके पेट से जो बच्चा पैदा हुआ ये हमारी कुदरत है ये हमारा कारनामा है और हमने ये कमाल दिखाया है कि बिना किसी मर्द की सबत के हमने उनके पेट से उनके रहम से एक बच्चे को पैदा किया वो मरीम अबनत इमरानी अहसनत फ़रजहा फ़ना फ़नाफी मोहना अल्लाह कहते हैं हमने अपनी रूह से उनमें फूक मारी वसत दखत भी कलीमा थे रब भी हा उन्होंने अपने रब के कलमे को सच कर दिखाया वो कुतुबी ही और अल्लाह की किताबों की तस्दीक की मिनल मिनल्कानिथिन और फरमा बरदार औरतों में से वो हो गई और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्हल् ने हज़रत मरियम आलिया सलातम को चार बमाल खात में से एक करार दिया कि दुनिया में बहुत सारी खवतन बहुत सारी औरतें बड़ी ही ग्रेट बड़ी ही अज़ीम आई और चली गईं उन बामाल उन ग्रेट उन बेहतरीन और अजीम ख़वान में से एक हज़रत मरियम आलि सलात सलाम भी थी कि किस तरीके से लोगों को उन्होंने फेस किया तो इस वाक़े का इस स्टोरी का इस क़ुरानी क़स्से का ये पैगाम आपके सामने है कि लोगों अल्लाह पर भरोसा करो अपना ईमान मजबूत करो और अगर आप में से किसी का को ये अकीदा है कोई सोचता है कि बिना किसी मर्द की शहबत के लड़का पैदा कैसे हो गया तो वो अपने डाउट को दूर कर ले कि ये अल्लाह की कुदरत है ये अल्लाह का कारनामा है जैसे उसने बिना किसी मर्द और, और औरत के हज़रत आदम अली सलाम को पैदा किया बिना किसी औरत के सिर्फ़ हज़रत आदम से हज़रत हुआ सलाम को पैदा किया ऐसे ही बिना किसी मर्द के सिर्फ़ एक औरत के ज़रिए अल्लाह रबालमीन ने हज़रत ईसी सलातम की तख्लीक़ की तो ये वाक़ा है हम और आप अपनी इलाह करें अपने आप को सुधारें अपने आप को अल्लाह के हवाले करें और अगर कोई ये समझता है कि हज़रत मरियम आल सलात सलाम ना जानिया है या हजरत ईसा नाऊदबिल्ला जना की वजह से पैदा हुए हैं तो वो ग़लत अकीदे पर जा रहा है वो अल्लाह के कुरान को झुटलाने वाला है वो नबी पाक सल्ला वसलम के फ़रमान को झुटलाने वाला है ऐसे बंदे को अपना अक़ीदा और अपने गलत ख़्याल को सच्चाई में तब्दील करना चाहिए अपनी असलाह करनी चाहिए अल्लाह रबालमीन से दुआ है कि अल्लाह हमें इस वाक़े के ज़रिए जो पैगाम जो मैं जैसे अल्लाह हमें उन पैगाम को अपनी ज़िंदगी में नाफिस करने की और अपने ईमान और अकीदे की असलाह करने की तोफ़ी फरमा, आमीन व सल अल وتب علينا और मना التواب الرحيم वतुबालीना عليكم वालकम الله وبركاته